And welcome to my channel. And in today's video, we're doing radio activity, which is a part of ICSE class 10 syllabus, and it is also coming for your semester 2 examinations. And we'll be covering it one go. So let's start. So an atom, it may or may not exist independently. आप जूनियर क्लासेस से पढ़ते आए हैं ये एक डेफिनेशन एटम की कि इट इज़ द स्मॉलेस्ट अ पार्टिकल विच मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली. एग्जाम्पल के लिए हीलियम, नियॉन, आर्गन इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं, बट हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर एंड फॉस्फरस दे डू नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली. ये अपने ही एक और एटम के साथ कंबाइन करके दे वो H2 या O2 के फॉर्म में मिलते हैं. एन एटम इज़ डिफाइंड बाय नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, दैट इज अटोमिक नंबर. अटोमिक नंबर क्या होता है? यूजुअली हम बोलते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बट दैट इज़ रॉन्ग. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन चेंज, राइट, बिकॉज आप अगर इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, लूज हो रहे हैं, बट प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर होते हैं एंड प्रोटॉन्स कैन नॉट चेंज. सो अटोमिक नंबर इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम. What is mass number? Mass number is the number of protons plus the number of neutrons. And दोनों atomic number और mass number की कोई भी unit नहीं होती. Now proton and neutron, तो proton का mass क्या होता है? 1.67 × 10⁻²⁰⁷ kg. और neutron का भी लगभग उसी के पास ही होता है. But एक electron का mass बहुत कम होता है, ऑलमोस्ट 1/1837 टाइम द मास ऑफ प्रोटॉन. मतलब इतना, उससे इतना कम, आप सोच सकते हैं कितना छोटा, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल मास माना जाता है इलेक्ट्रॉन का. द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होते हैं? इट इज़ द मास नंबर माइनस द एटॉमिक नंबर. ऑलराइट, रिप्रेजेंटेशन किसी भी एलिमेंट के मास नंबर और एटॉमिक नंबर कहाँ कहाँ लिखते हैं, तो ये सुपरस्क्रिप्ट होती है, ये पोस्टस्क्रिप्ट, और 16 ऊपर लिखते हैं मास नंबर, 8 अटोमिक नंबर नीचे लिखते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और ये क्या है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन. अब हमें यहाँ पे मास नंबर दे दिया और अटोमिक नंबर दे दिया और बोल दिया जाए कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाले, तो इजीली निकाल सकते हैं हम. 16 - 8 कर देंगे तो यहाँ पर मुझे पता चल जाएगा कि न्यूट्रॉन यहाँ पर 8 है. सो प्रोटॉन भी 8 है और न्यूट्रॉन भी 8 है. सो और इलेक्ट्रॉन भी इसमें 8 ही होंगे, राइट. आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स आर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट मास नंबर बट सेम अटोमिक नंबर. डिफरेंट मास नंबर बट सेम अटोमिक नंबर. तो जैसे हमने ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन का अटोमिक नंबर 8 है, बट आप देख सकते हैं तीनों केसेस में मास नंबर डिफरेंट है, एक में 16, एक में 17 और एक में 18. तो प्रोटॉन्स सब में सेम है, सबका अटोमिक नंबर सेम है, सब में 8 प्रोटॉन्स हैं, बट न्यूट्रॉन अगर हम निकालें तो 16 - 8 पहले वाले में 8 न्यूट्रॉन्स, सेकंड वाले में 17 - 8 9 न्यूट्रॉन्स, और थर्ड वाले के अंदर 18 - 8 10 न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे, राइट. सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डजंट चेंज, बट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डज इन आइसोटोप्स. नाउ व्हाई डज द नंबर, व्हाई डज द मास नंबर डिफर इन आइसोटोप्स? बिकॉज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डज. दिस इज द सिंपल आंसर. Therefore, isotopes can be defined as atoms of same element having different number of neutrons but the same number of protons. ऐसे भी इनको define करा जा सकता है. Then एक और example लेते हैं. हमने लिया है hydrogen का, और hydrogen के बहुत famous isotopes हैं, 3 famous isotopes, protium, deuterium and tritium. And पहले वाले के अंदर आप देख सकते हो कि मास नंबर भी 1 है और एटॉमिक नंबर भी 1 है, तो 1 - 1 0 न्यूट्रॉन हो जाता है. तो 1 प्रोटॉन, 0 न्यूट्रॉन. इस वाले में 1 प्रोटॉन एंड 1 न्यूट्रॉन, एंड इसमें 1 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन. तो सब में क्या सेम है? प्रोटॉन सेम है, या आप कह सकते हैं अटोमिक नंबर सबका सेम है, बट अगेन न्यूट्रॉन इज, न्यूट्रॉन का नंबर सब में डिफरेंट है. सो एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, हाइड्रोजन डिफरेंट मास नंबर बट सेम अटोमिक नंबर. ये कार्बन का भी एग्जाम्पल है, इसमें भी कार्बन के अटोमिक नंबर सबका सेम है, मास नंबर सबका डिफरेंट है, इसीलिए सबका न्यूट्रॉन का नंबर भी डिफरेंट है. नाउ कमिंग टू आइसोबार्स. आइसोबार्स क्या होते हैं? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम मास नंबर एंड डिफरेंट अटोमिक नंबर.
ये डिफरेंट ही एलिमेंट के हैं, मतलब अलग अलग एलिमेंट के हैं, बट इनका जो मास नंबर है वो सेम होता है. अटोमिक नंबर डिफरेंट, क्योंकि एलिमेंट अगर डिफरेंट तो अटोमिक नंबर भी डिफरेंट होगा, ये अंडरस्टूड है. तो एनए मतलब यहाँ पे सोडियम मैग्नीशियम कार्बन, सोडियम मैग्नीशियम और यहाँ दूसरे एग्जाम्पल में मैंने कार्बन और नाइट्रोजन ले रखा है. सोडियम का अटोमिक नंबर होता है 11 और मैग्नीशियम का होता है 12, और दोनों के मास नंबर यहाँ पे हम देख सकते हैं 24 हैं. और दोनों का जो मास, अगर आप ऐसे मैनुअली अगर आप इनको सम करके भी देखें इनका, तो सेम आएगा. टोटल मास जो है, अगर 11 प्लस 13 करोगे तो 24 एंड 12 प्लस 12 यहाँ पे 24, तो दोनों का सेम आ रहा है. यहाँ पे सेम आप कार्बन और नाइट्रोजन का है, जिसके अंदर ये आइसोबार्स है दोनों, जिनका अटोमिक नंबर डिफरेंट है, बट अगेन मास नंबर सेम है. नाउ कमिंग टू आइसोटोन्स. आइसोटोन्स से काफ़ी पूछा जाता है कि वॉट आर आइसोटोन्स, जनरली पूछा जाता है. सो हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स. अब न्यूट्रॉन सेम है, मैंने मास नंबर या अटोमिक नंबर नहीं कहा, न्यूट्रॉन सेम है एंड एटम्स हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के, तो मतलब अंडरस्टूड है कि इनका जो अटोमिक नंबर होगा वो भी डिफरेंट होगा. सो यहाँ पे कार्बन और नाइट्रोजन अगेन एंड सोडियम एंड मैग्नीशियम का ही एग्जाम्पल लिया है. 6 अटोमिक नंबर है कार्बन का और 7 अटोमिक नंबर है नाइट्रोजन का, और दोनों का मास नंबर जो है वो भी डिफरेंट है, 13 एंड 14. बट अगर आप इनको सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे, जब आप इनका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालेंगे, तो सेम आएगा 7 एंड 7 हियर इज वेल. सेम अगर आप इधर आप सोडियम और मैग्नीशियम की बात करें, तो अटोमिक नंबर दोनों का डिफरेंट है और मास नंबर भी डिफरेंट है, बट अगर आप इनको सब्ट्रैक्ट करके इनका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालें, तो दोनों में 12 न्यूट्रॉन आएंगे, जो कि सेम है. नाउ आइसोटर्स. आइसोटर्स हैविंग सेम नंबर ऑफ एटम्स एंड द सेम स्ट्रक्चर. तो स्ट्रक्चर इनका सेम है एंड नंबर ऑफ एटम्स सेम है. जैसे हमने यहाँ BF3 लिया है, तो इसको जो बनाने का जो स्ट्रक्चर है वो सेम है. BCl3 भी स्ट्रक्चर बनाने वाला जो जैसे बनाता है वो सेम तरीका है. सेम गोज फॉर NH3 एंड PH3 एंड H2O and H2S. तो आप इन एग्जांपल्स को याद कर सकते हैं, इफ़ यू एवर आस्क टू मेंशन, सो यू कैन मेंशन दीज एग्जांपल्स. नाउ आइसोइलेक्ट्रिक या फिर आइसोइलेक्ट्रॉनिक क्या होते हैं, जिनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो. जैसे ऑक्सीजन है और यहाँ पे फ्लोरीन है, यहाँ पे नाइट्रोजन और यहाँ कार्बन. तो आप यहाँ देखो, सब में मैंने वैलेंसी सबकी लिख रखी है. बेसिकली इनका जो एक्चुअली जो इनका रियल अटोमिक नंबर था, इट वॉज इन सेम. ना तो इनके नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, प्रोटॉन तो सेम हो ही नहीं सकते, वैसे भी डिफरेंट एलिमेंट है. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम कैसे किए इन्होंने, बाय लूजिंग एंड गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स. बट इस केस के अंदर ऑफकोर्स दे हैव गेन्ड, ऑल ऑफ देम हैव गेन्ड. तो इसने ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके अपने आप के पास कितने बना लिए, 10 इलेक्ट्रॉन. नॉर्मली इसके पास 8 ही होते हैं, बट इसने 2 गेन करे और 10 इलेक्ट्रॉन बना लिए. फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन के पास नॉर्मली 9 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बट उसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन करा और अब उसके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं. नाइट्रोजन के पास नॉर्मली 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पर उसने 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करा और अब उसके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं. कार्बन के पास नॉर्मली 6 इलेक्ट्रॉन्स होता है, बट उसने 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करा और ये अब 10 इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास. तो सबके पास अब 10 इलेक्ट्रॉन्स है, तो सब क्या है, आइसो इलेक्ट्रिक या आइसो इलेक्ट्रॉनिक, मतलब जिनके पास सेम इलेक्ट्रॉन, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो. अनदर एग्जांपल है NaNMg, सोडियम एंड मैग्नीशियम, और इन दोनों ने क्या करा है, एक एक इलेक्ट्रॉन इन्होंने लूज़ करा है. तो सोडियम के पास जनरली 11 इलेक्ट्रॉन्स होता है, बट उसने 1 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करा और अब उसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है. और मैग्नीशियम के पास नॉर्मली कितने होते हैं, 12 इलेक्ट्रॉन्स होता है, बट उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करा और अब उसके पास सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन्स है. तो ये दोनों भी आइसो इलेक्ट्रिक हो गए, आइसो इलेक्ट्रिक या आइसो इलेक्ट्रॉनिक. ऑलराइट, नाउ वाइल स्टडिंग रेडियो एक्टिविटी, व्हाट आर सम पॉइंट्स दैट यू शुड कीप इन माइंड. स्पेशल फर्स्ट पॉइंट इज दैट द फिनोमिना ऑफ रेडियो एक्टिविटी इज स्पॉन्टेनियस, इट हैपन्स ऑन इट्स ओन. देन सेकेंड, एमिशन ऑफ अल्फा और बीटा एंड गामा. दीज पार्टिकल्स अल्फा बीटा एंड गामा वील स्टडी फर्दर इन डिटेल, बट इन पार्टिकल्स का एमिशन होता है. देन थर्ड पॉइंट इज फ्रॉम न्यूक्लियस ऑफ एन अनस्टेबल एटम, इट इज़ अ न्यूक्लियर फिनोमिना.
ये न्यूक्लियस से हो रही हैं चीज़ें. ओके, नाउ रेडियो एक्टिविटी इज़ अ न्यूक्लियर फिनोमिना. अल्फा बीटा गामा निकाल कर स्टेबल होने के लिए ये लोग करते हैं. तो रेडियो एक्टिविटी हो क्यों रही है? फॉर एन एटम टू अचीव स्टेबिलिटी. नाउ टाइप्स ऑफ रिएक्शंस होते हैं फिजिकल, केमिकल एंड न्यूक्लियर. तो न्यूक्लियर रिएक्शन जो होते हैं दे आर नॉट अफेक्टेड बाय फिजिकल और केमिकल चेंजेस. रेट ऑफ एमिशन ऑफ अल्फा बीटा और गामा रेज दे कैन नॉट बी कंट्रोल्ड. आप किस रेट पे निकल रहे हैं आपके पार्टिकल्स, आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते. नाउ स्टेबिलिटी बेल्ट, द न्यूक्लियस दैट लाई ऑन इट आर स्टेबल, या जो इसके पास है, इस जो कर्व है इसके पास जो एलिमेंट्स लाई कर रहे हैं, जिनके न्यूक्लियस या इसके ऊपर लाई कर रहे हैं, दे आर स्टेबल. सो एक्सपेरिमेंटली करके देखा गया कि जिस एटम में 20 न्यूट्रॉन एंड 20 प्रोटॉन तक जो भी एटम्स हैं वो सब स्टेबल हैं, और अल्फा बीटा या कोई गामा ये रेज वो कोई एमिट नहीं कर रहे हैं बिकॉज दे आर स्टेबल. कहाँ तक देखा? 20 तक. 20 मतलब कैल्शियम एलिमेंट तक हमने देखा कि ऐसा केस है. बट अब उसके 20 के बाद जो हैवी न्यूक्लियस होते हैं, जो हैवी न्यूक्लिया होते हैं, जिनका जो एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर 20 से ज़्यादा होता है, तो उन एलिमेंट्स वो स्टेबल तभी होते हैं जब उनके न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स नंबर ऑफ़ प्रोटॉन से ज़्यादा हो. तो अगर इसी कर्व को हम बनाएं हैवी न्यूक्लियस के केस में, सो दिस कर्व टूवर्ड्स द न्यूट्रॉन साइड इंडिकेट्स दैट आफ्टर यू नो एटॉमिक नंबर 20 दोज एलिमेंट्स हु हैव मोर न्यूट्रॉन्स आर स्टेबल. तो जो स्लाइट कर्व यहाँ पे दिख रहा है कि न्यूट्रॉन के एक्सिस की तरफ, ये यही दिखा रहा है कि अब जो न्यूट्रॉन जिनके पास ज़्यादा हैं, न्यूट्रॉन जिस न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन प्रोटॉन से ज़्यादा हैं वो अब स्टेबल होंगे. और ये हमने कहाँ तक करा? ये हमने एक्सपेरिमेंटली ये करके देखा कि एक स्टेज पर पहुंच गए कि आफ्टर एटॉमिक नंबर 80 ऑल एलिमेंट्स वर रेडियो एक्टिव. मतलब 20 से 80 तक के बीच में सारे वो स्टेबल होता है जिनके पास नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स नंबर ऑफ़ प्रोटॉन से ज़्यादा हो. बट 80 के बाद एक स्टेज ऐसी आ गई हमारी, हमने देखा कि सारे एलिमेंट्स जो थे अब सब रेडियो एक्टिव हैं. तो अब हम बात करते हैं अल्फा एमिशन की. तो अल्फा एमिशन, अगर दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन साथ में न्यूक्लियस के बाहर आए तो मतलब अल्फा. तो इसको कैसे करते हैं? दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन है तो इसको अगर आपको अल्फा पार्टिकल का अगर आपको एटॉमिक नंबर और मास नंबर लिखना हो तो कैसे लिखोगे? कि दो तो एटॉमिक नंबर हो जाएगा, टू एटॉमिक नंबर एंड फोर विल बी द मास नंबर, 2+2 = 4. सो दिस इज़ इक्वल टू द हीलियम न्यूक्लियस. तो हम आप ये भी कह सकते हैं इन सिंपल वर्ड्स दैट अल्फा पार्टिकल इज द न्यूक्लियस ऑफ एन हीलियम एटम, बिकॉज हीलियम के भी सेम ही मास नंबर और सेम ही इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर होता है, राइट? सो न्यूक्लियाई विच लाई ऑन दिस बेल्ट आर नॉट रेडियो एक्टिव. एंड फॉर लाइटर न्यूक्लियाई विच हैव एटॉमिक नंबर लेस देन और इक्वल टू 20, वी सॉ दैट दोज एटम्स आर स्टेबल हु हैव द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स. तो जिनके पास 20 से कम तक वाले एलिमेंट, जिनके पास हमने ऊपर देखा था कि जिनके पास सेम नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स और सेम नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स हैं, वो स्टेबल माने जाते हैं. तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन और मैग्नीशियम के एग्जांपल हैं. तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, मास नंबर है 16. देखा जाए नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन इक्वल है तो ये रेडियो एक्टिव नहीं होगा, इट इज़ स्टेबल. सेम गोज फॉर कार्बन एंड मैग्नीशियम, दोनों ही स्टेबल होंगे, दे विल नॉट बी रेडियो एक्टिव बिकॉज इनके न्यूक्लियस के अंदर जो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन है दैट विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. सो वी ऑब्जर्व दैट फॉर एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर लेस देन 20, द नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स एंड द नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स इज आइदर इक्वल और समवॉट वेरी क्लोज वैल्यू. या तो वो इक्वल होंगे या बहुत बहुत क्लोज वैल्यू, मतलब एक दो नंबर का ही डिफरेंस होगा, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, राइट? अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, तो हमने ट्रिटियम लिया है जो कि एक हाइड्रोजन का आइसोटोप है और इसके अंदर 1 प्रोटॉन है एंड 2 न्यूट्रॉन है. तो दिस इज़ नॉट स्टेबल बिकॉज इट डजंट हैव द सेम नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स, सो इट इज़ रेडियो एक्टिव इन नेचर. एंड अगर आपको देखना हो कि स्टेबिलिटी बेल्ट पे कहाँ लाया करता है, तो इट इज़ समवेयर हियर, मतलब जिसमें न्यूट्रॉन इसमें ज़्यादा है ऑफकोर्स, तो थोड़ा सा इधर आ जाएगा, राइट? हियर देन इसमें नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन ज़्यादा है तो यह बेल्ट के न्यूट्रॉन्स वाली तरफ होगा इंक्लाइंड, राइट? सो यू कैन मार्क दिस, अगर आपको बोला जाए तो आप कर सकते हैं, राइट?
अब कार्बन का अगर देखा जाए, कार्बन का आइसोटोप जिसके अंदर उसके पास 6 एटॉमिक नंबर हो उसका, जिसमें 6 प्रोटॉन्स हो मतलब, और 14 मास नंबर हो, तो 14 माइनस 6 गिव्स अस 8 न्यूट्रॉन्स. अगेन इट इज़ नॉट स्टेबल, सो इट इज़ रेडियो एक्टिव इन नेचर. नाउ अल्फा पार्टिकल, दे हैव अ पॉजिटिव चार्ज एंड इट हैज़ द हाइएस्ट चार्ज अमंग ऑल द 3 पार्टिकल्स, दैट इज़ अल्फ़ा बीटा एंड गामा. में से सबसे ज़्यादा चार्ज अल्फ़ा के पास होता है और अल्फ़ा के पास पॉजिटिव चार्ज होता है. इट हैज़ द मैक्सिमम आयोनाइजिंग पावर, ये इट आयोनाइजेज द गैस इट पासिस थ्रू, जिस भी गैस में से निकल रहा है उसको आयोनाइज कर देता है. और इसकी आयोनाइजिंग पावर मैक्सिमम है या सबसे ज़्यादा है व्हेन कंपेयर टू बीटा एंड गामा पार्टिकल्स. अल्फ़ा तीनों में से सबसे भारी भी है, सबसे हैवीएस्ट है. अल्फ़ा का वेट इज़ अराउंड 4 AMU. इट हैज़ द लीस्ट पेनिट्रेटिंग पावर बिकॉज ऑफ इट्स हैवी मास एंड इट्स स्लो स्पीड. इसकी स्पीड कितनी है? 10^7 मीटर पर सेकेंड. वैसे हमें लग रहा है ये ज़्यादा है, बट व्हेन कंपेयर टू बीटा एंड गामा पार्टिकल स्पीड इट इज़ वेरी लेस. अब हमें जो क्वेश्चंस आएंगे रेडियो एक्टिविटी में अल्फा एमिशन्स के ऊपर, वो कैसे होते हैं, लेट्स लुक एट दैट. एग्जांपल ये है, एक पेरेंट न्यूक्लियस है जिसका एटॉमिक नंबर है, सॉरी, जिसका मास नंबर है 236 एंड एटॉमिक नंबर है 92, और हमें बोला जा रहा है कि इसमें से अल्फा पार्टिकल निकला और आपको अब इसकी इक्वेशन बनानी है कि क्या क्या हुआ और कैसे इसको लिखेंगे. सो अल्फा पार्टिकल जब निकलता है तो हमने ऊपर देखा कि अल्फा पार्टिकल इज़ लाइक ए हीलियम एटम, सो इट इज़ लाइक द न्यूक्लियस ऑफ एन हीलियम एटम. सो हीलियम का क्या होता है, 4 होता है मास नंबर और 2 होता है एटॉमिक नंबर, तो वो ही लिखोगे आप यहाँ, जो कि अल्फा पार्टिकल रिप्रेजेंट करेगा. प्लस अब आप दोनों साइड को इक्वल रखना चाहेंगे, राइट, वी हैव टू मेंटेन, ये एक इक्वेशन है तो दोनों साइड इक्वल होना चाहिए, मास नंबर और एटॉमिक नंबर. तो अब इसमें से हम माइनस करके जो अल्फा पार्टिकल है उसका मास नंबर और एटॉमिक नंबर पेरेंट न्यूक्लियस में से माइनस करके हम यहाँ पे लिख देंगे. दैट मीन्स 236 माइनस 4, दैट विल गिव अस 232. सो दिस विल बी द मास नंबर ऑफ आर न्यू डॉटर न्यूक्लियस, ऑलराइट, एंड 92 माइनस 2, दैट इज़ द न्यू अटोमिक नंबर विच इज़ 90. तो ये डॉटर न्यूक्लियस का मास नंबर अटोमिक नंबर है प्लस अल्फा पार्टिकल, तो इन दोनों को अगर आप हम प्लस करके देखेंगे तो हमें 236 मिल रहा है, राइट. तो हमारी इक्वेशन बैलेंस्ड है, दोनों तरफ अटोमिक नंबर और मास नंबर दोनों सेम है. सो दिस न्यूक्लियस इज़ रेडियो एक्टिव, इट इज़ अनस्टेबल इन नेचर, इट इज़ एन अनस्टेबल न्यूक्लियस, दैट इज़ वाई अल्फा पार्टिकल भी यहाँ पे निकल रहा है, राइट. सो रिमेंबर, इन एनी न्यूक्लियर रिएक्शन द टोटल अटोमिक नंबर एंड द टोटल मास नंबर ऑलवेज रिमेन्स द सेम. वही मैंने यहाँ पे आपको बताया. एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं. इसके अंदर हमने एक पार्टिकल लिया है और उसका मास नंबर है 236 और अगेन उसका जो ये अटोमिक नंबर है वो 92 है. और आई थिंक ये सेम एग्जाम्पल है, बट इसके साथ एनर्जी भी रिलीज़ हो रही है एंड अटोमिक नंबर डिक्रीजेज बाय 2 एंड मास नंबर डिक्रीजेज बाय 4. तो ये पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा एमिशन है जिसकी वजह से अटोमिक नंबर डिक्रीजेज बाय 2, मास नंबर डिक्रीजेज बाय 4, ऐसा पूछा जाता है, तो यू विल राइट अल्फ़ा. अनदर एग्जाम्पल, यहाँ पे एक्स है, पार्टिकल एक्स है और इसका जो मास नंबर है वो 232 है और इसका अटोमिक नंबर 90 है. अब बोला जा रहा है यहाँ पे अल्फ़ा निकला है, ये मैंने अभी सॉल्व कर लिया है, बट अल्फ़ा निकला है यहाँ पे. फिर वाई का भी दे रखा है और जेड का दे रखा है, तो हमें बताना है कि अटोमिक नंबर और मास नंबर लिखना है सबके लिए. सो ये हमें दिया हुआ है सिर्फ, और यहाँ अल्फ़ा दिया हुआ है, यहाँ अल्फ़ा दिया हुआ है, वाई जेड लिखा हुआ है. सो वी हैव टू टेल देम, अगर फर्स्ट स्टेप में अल्फ़ा निकला है यहाँ पे, तो अल्फ़ा का हम लिख देंगे, अल्फ़ा को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 4 मास नंबर 2 एटॉमिक नंबर, और क्या लिखेंगे यहाँ पे, उसको माइनस कर देंगे, राइट. मास नंबर में से 4 निकाल देंगे तो 228 बन गया, और जो एटॉमिक नंबर है उसमें से 2 निकाल देंगे जो कि 88 बन गया. फर्दर अगेन यहाँ पे लिखा हुआ है 3 अल्फ़ा पार्टिकल्स एमिट हो रहे हैं, तो 3 अल्फ़ा पार्टिकल, एक अल्फ़ा पार्टिकल में कितना होता है, 4 होता है मास नंबर और 2 होता है एटॉमिक नंबर, तो 3 मल्टीप्लाई कर दो दोनों में, 4 × 3 and 2 × 3, तो क्या बन जाएगा, 12 and 6. तो अब इसमें जो आप माइनस करोगे वो क्या होगा, 12 and 6 माइनस करोगे, दोनों मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर में से रिस्पेक्टिवली. तो यहाँ से आप इस स्टेप में क्या करोगे, 228 माइनस 12 जो कि 216 हो गया, और 2 की जगह अब आप 6 करोगे क्योंकि 3
अल्फा पार्टिकल एमिट हो रहा है तो 6, तो 88 माइनस 6 जो कि 82 हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो गया, और ऐसे ही टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। राइट, नाउ कमिंग टू बीटा इमिजन। इमिजन बीटा पार्टिकल एक इलेक्ट्रॉन के इक्विवेलेंट होता है। जैसे हमने ऊपर देखा कि अल्फा पार्टिकल इज़ लाइक अ हीलियम न्यूक्लियस, वैसे ही बीटा पार्टिकल इज़ लाइक एन इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है हमने ऊपर देखा था कि नेग्लिजिबल होता है, बहुत ही कम होता है, तो हम यहाँ पे ज़ीरो लिख देंगे। इट इज़ ऑलमोस्ट कंसिडर्ड ज़ीरो, राइट। एंड माइनस वन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। सो वॉट इज़ द मास ऑफ अ बीटा पार्टिकल, इट इज़ अनआइडेंटिफाइड बिकॉज बीटा पार्टिकल इज़ एन इलेक्ट्रॉन, बट अ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन वैन यू नो वैन इट्स मूविंग वेरी फास्ट, सो इट्स मास वेरीज, सो दैट इज़ वाई। नाउ वॉट इफ यू टॉक अबाउट द स्पीड ऑफ द बीटा पार्टिकल, सो इट इज़ 2.5 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड, विच इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू द लाइट स्पीड, एंड इट इज़ ऑल्सो मच मोर देन द स्पीड ऑफ एन अल्फा पार्टिकल। हमने देखा था ऊपर कि अल्फा पार्टिकल की स्पीड कितनी है, 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड, बट बीटा पार्टिकल की उसकी उससे कई ज़्यादा है। और अगर हम पूछे रेंज क्या है, तो 10⁻⁷ से लेकर 2.5 × 10⁸ तक सब पार्टिकल्स जो होंगे वो बीटा पार्टिकल्स में काउंट किए जाएंगे। नाउ ये क्वेश्चन बहुत आता है कि अल्फा आल्सो हैज़ अ हाई स्पीड, बट व्हाई डजंट इट्स मास वेरी, बिकॉज अल्फा पार्टिकल्स आर वेरी बिग वेर एज बीटा पार्टिकल आर वेरी स्मॉल एंड मूविंग ऑलमोस्ट विद द सेम स्पीड ऑफ लाइट, सो इट्स मास वेरीज। ऑलराइट, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन वेन इट इज़ एट रेस्ट हमने ऊपर देखा था, इट इज़ 9.1 × 10⁻³ - 31 kg और 1/1837 टाइम्स अ प्रोटॉन, और प्रोटॉन का मास क्या होता है 1 AMU, सो यू कैन राइट दिस। सो रेस्ट मास इतना हो गया, रिप्रेजेंटेशन हमने देखी, सिंबल इसका ये है, और ऊपर ज़ीरो नीचे माइनस वन, और माइनस वन इसका चार्ज है, सो दे हैव मोर पेनिट्रेटिंग पावर than alpha but of course less than gamma, and ionizing power is less than alpha but more than gamma, so ये बीच टाइप का एक पार्टिकल है, ज़्यादा कुछ ज़्यादा भी नहीं है बट कम भी नहीं है कुछ। बीटा पार्टिकल के लिए क्वेश्चन कैसे आएंगे, बीटा पार्टिकल के एमिशन के लिए एक्स जैसे हमारा एक है पार्टिकल और एलिमेंट, और उसके पास नंबर है 14, उसका मास नंबर 14 है और उसका एटॉमिक नंबर 6 है, तो यह हमारा पेरेंट न्यूक्लिया है, और अब हमारा इससे बीटा पार्टिकल का इमिजन हो रहा है। सो बीटा पार्टिकल कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो हम लिख देंगे 0 और माइनस 1 प्लस। अब हमसे पूछा जाएगा यहाँ पे डॉटर न्यूक्लियाई क्या है, डॉटर न्यूक्लियाई का आप एटॉमिक नंबर और मास नंबर बताओ, तो एटॉमिक नंबर आप देख सकते हो, सॉरी मास नंबर आप देख सकते हो, इट विल रिमेन अनचेंज्ड बिकॉज बीटा पार्टिकल जो है वो क्या है, जीरो है, सो यू डोंट हैव टू चेंज, जो ओरिजिनल है जो पेरेंट न्यूक्लियस का है वो ही डॉटर न्यूक्लियस का भी होगा, सो 14 ही होगा। बट यहाँ पे तो माइनस वन लिखा है, तो ऐसा मैं यहाँ पे क्या लिखूँ कि मेरे को यहाँ 6 मिल जाए, एक आप एलजेब्रा की इक्वेशन जैसे समझ सकते हो इसको, राइट, कि आपको टोटल में 6 चाहिए और आपके पास एक्स माइनस वन इज इक्वल टू 6 जैसी टाइप की एक इक्वेशन है, तो आपका एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 7, राइट, क्योंकि हमें दोनों तरफ इक्वल रखना है, सो यहाँ पे 7 इसका एटॉमिक नंबर जो होता है वो 1 से बढ़ जाता है, बिकॉज बीटा में माइनस वन हो रहा है तो डॉटर न्यूक्लियाई में बढ़ जाता है, प्लस अ लॉट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। सो इन बीटा इमिजन द मास नंबर डजंट चेंज, ओनली द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस बाय 1 टू कीप बोथ द साइड्स बैलेंस्ड विद द सेम टोटल वैल्यूज ऑफ ए एंड जेड, दैट इज मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर ऑन बोथ द साइड्स। नाउ इन एनी न्यूक्लियर रिएक्शन द टोटल एनर्जी ऑन बोथ साइड्स इज द सेम एंड टोटल मोमेंटम ऑन बोथ साइड्स मस्ट बी द सेम, but we saw that on the left side the reaction like the energy was more and on the right side of the reaction the momentum was more, so momentum remains conserved until there is an external force, since this is a spontaneous reaction so there is no external force and hence momentum remains the same. Then we saw that this is happening like in the above equation this is happening. नाउ एनर्जी के साथ एक और चीज़ निकलती है बीटा पार्टिकल के एमिशन के अंदर जिसको हम बोलते हैं एंटी न्यूट्रिनो, और एंटी न्यूट्रिनो जो निकलती है उसके दो फंक्शन होता है, पहली बात टू कंजर्व एनर्जी, सेकंड टू कंजर्व मोमेंटम, और
whenever there is a beta particle emission, and antineutrino is released and it is invisible and it has no mass and it has no charge. All right. Now beta particle के questions को देखते हैं. तो यहाँ पे एक unstable carbon का हमें दे रखा है isotope, और वो रेडियो एक्टिव है नेचर के अंदर, और उससे बीटा पार्टिकल का इमिशन हो रहा है. उसका मास नंबर 14 और एटॉमिक नंबर 6 है. सो नाउ हाउ विल वी राइट बीटा पार्टिकल का जो हम रिप्रेजेंटेशन हमने सीखा, हम वो लिख देंगे जैसे यहाँ पे 0 और -1. एंड अब जो हमारा मास नंबर होगा वो तो सेम रहेगा, इट विल रिमेन 14, बट आर अटोमिक नंबर विल इंक्रीज बाय 1 टू कीप द अटोमिक नंबर बैलेंस्ड ऑन बोथ द साइड्स. तो यहाँ पे पेरेंट न्यूक्लियस में 6 था, यहाँ डॉटर न्यूक्लियर में क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा. प्लस एंटी न्यूट्रिनो एंड एनर्जी इज ऑल्सो रिलीज. अनदर क्वेश्चन, एक्स है यहाँ पे एक एलिमेंट है जिसका मास नंबर 60 और अटोमिक नंबर 26 है. बीटा पार्टिकल का एमिशन हो रहा है, तो बीटा पार्टिकल का जो हमने रिप्रेजेंटेशन सीखा है हम वो लिखेंगे. प्लस वाई जो कि डॉटर न्यूक्लिया है, उसका जो अटोमिक जो उसका जो मास नंबर होगा वो सेम रहेगा, जो 60 है वो 60 ही रहेगा, बट जो 26 है अटोमिक नंबर उसका प्लस 1 हो जाएगा, दैट इज़ 27. तो वाई का क्या होगा, मास नंबर 60 और अटोमिक नंबर 27, प्लस एंटी न्यूट्रिनो एंड एनर्जी इज ऑल्सो रिलीज. अनदर एग्जाम्पल, ए है एक एलिमेंट जिसका मास नंबर है 64 और उसका अटोमिक नंबर है 30. एंटी न्यूट्रिनो जब बीटा पार्टिकल का एमिजन हुआ तो हमें यहाँ पे मल्टीपल वो दे रखे हैं और हमें सबका अटोमिक नंबर और मास नंबर लिखना है. सो ए है, ए से बीटा पार्टिकल एमिजन हुआ और एक्स बना. एक्स के बाद फिर से बीटा पार्टिकल्स निकले और वाई बना, और वाई के बाद फिर से 10 बीटा पार्टिकल का एमिजन हुआ और जेड बना. तो हमें लिखना है सबके बैलेंस करके अटोमिक नंबर और मास नंबर लिखना है. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं 64 और 30 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बीटा पार्टिकल सेम रहेगा, 64 है तो 64 रहेगा, पर जो 30 है यहाँ पे एटॉमिक नंबर इट विल इंक्रीज बाय 1 एंड 31 हो जाएगा. तो एक्स का मास नंबर और एटॉमिक नंबर हमको मिल गया, और साथ साथ में एंटी न्यूट्रिनो और एनर्जी तो रिलीज हो ही रही है. नाउ अगेन अब यहाँ पे दो बीटा पार्टिकल का एमिशन हुआ है, तो दो बीटा पार्टिकल मतलब -2 हो गया. ऊपर 0 तो 0 रहेगा पर नीचे -2 हो गया. सो अगर -2 हो रहा है तो हमें अटोमिक नंबर को भी 2 ज़्यादा बढ़ाना पड़े. ऑल राइट, सो 31 है यहाँ पे, तो अब वो 33 हो जाएगा अटोमिक नंबर, राइट. एंड ऑफकोर्स जो हमारा मास नंबर है इट विल रिमेन द सेम ऑल अलोंग. देन उसके बाद फिर से हमारा एंटी न्यूट्रिनो निकलेगा. अब 10 बीटा पार्टिकल का एमिशन हो रहा है तो मतलब -10 बन रहा है नीचे, 0 ऊपर रहेगा बट -10 बन रहा है, तो -10 बन रहा है तो +10 हमें करना पड़ेगा. सो यहाँ पे 33 था अटोमिक नंबर, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 43. एंड मास नंबर रिमेन्स द सेम, दैट इज 64. सो ये हमारा बीटा पार्टिकल पे जो क्वेश्चन था उसके एमिशन पे वो भी हमने सॉल्व कर लिया. नाउ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए भी, प्लस क्वेश्चन ये यू नो ICSE बोर्ड क्वेश्चन में भी आ सकता है सब. सो अल्फा एंड बीटा एमिशंस आर रेडियो एक्टिव एंड अ न्यूक्लियर फिनोमिना, राइट. बट अ बीटा पार्टिकल इज़ बेसिकली एन इलेक्ट्रॉन, बट एन इलेक्ट्रॉन इज नॉट प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस. देन हाउ इज़ द एमिशन ऑफ अ बीटा पार्टिकल अ न्यूक्लियर फिनोमिना. हमने कहा कि जो रेडियो एक्टिविटी है इट इज़ अ न्यूक्लियर फिनोमिना, राइट, कि न्यूक्लियस से चीज़ें हो रही हैं, कि उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की हम बात कर रहे हैं, पर बीटा पार्टिकल तो बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन है. सो हाउ कैन यू से, और वो तो इलेक्ट्रॉन तो क्या न्यूक्लियस के बाहर इवॉल्व करता है, तो हाउ कैन यू से दैट एमिशन ऑफ अ बीटा पार्टिकल इज़ अ न्यूक्लियर फिनोमिना. अब इसको ही एक्सप्लेन करते हैं. सो इन सम न्यूक्लियस क्या होता है ना, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज़ अ लॉट मोर देन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स से, इतने ज़्यादा होते हैं कि जो न्यूक्लियस होता है वो अनस्टेबल बन जाता है. नाउ दे डू नॉट लाई ऑन द स्टेबिलिटी बेल्ट ऑल्सो. इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ दैट अनस्टेबल इलेक्ट्रॉन, जिसके अनस्टेबल न्यूक्लियस जो कि इतना जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इतना ज़्यादा है प्रोटॉन से, तो उसके अंदर क्या होता है कि न्यूट्रॉन चेंजेस इनटू प्रोटॉन. दिस कैन हैपन टू मेंटेन स्टेबिलिटी. ये इसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे कि ये क्यों हो रहा है, बट जो न्यूट्रॉन है इट चेंजेस इनटू अ प्रोटॉन. अब हम न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जब प्रोटॉन में चेंज हो रहा है तो उसकी चार्ज की जब बात करें तो न्यूट्रॉन हैज़ 0 चार्ज, राइट, एंड उसका मास होता है वो 1 AMU होता है. प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास ऑलमोस्ट द सेम होता है, न्यूट्रॉन का बस थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो हम यहाँ पे 1 AMU ही लिख रहे हैं दोनों के लिए. प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है, +1, और प्रोटॉन का मास होता है 1 AMU, तो ये लिखा. अब नाउ सिंस बोथ द साइड शुड बी बैलेंस्ड, हमें दोनों साइड्स पे बैलेंस करना है, राइट, तो हमने यहाँ देखा
एंड यहाँ पे है नहीं ऐसा केस, तो हमने यहाँ देखा कि ऐसा हम क्या ऐड करें इस साइड में, राइट साइड में, कि राइट साइड एंड लेफ्ट साइड दोनों बैलेंस हो जाए. सो टू बैलेंस द अबव इक्वेशन वी इंट्रोड्यूस दिस एंड दिस इज़ द बीटा पार्टिकल. ये जो हमने इंट्रोड्यूस करा, मतलब ऐसी चीज़ जिससे मास नंबर तो वन ही रहे भाई, बट ये ज़ीरो बन जाए. किसी भी तरह से हमारा जो अटोमिक नंबर है वो ज़ीरो बनना चाहिए, मतलब यहाँ से वन को हटाना है, मतलब वन माइनस करना है. तो इसीलिए हमने ये लिखा. और ये जो अन ये जो अभी हमने कुछ सिंपल नहीं लिखा है, ये हमने खुद की अंडरस्टैंडिंग के लिए जैसे हमने इक्वेशन सॉल्व करी है वैसे लिखा है. अब ये क्या है, ये हमारा बीटा पार्टिकल है. सो बीटा पार्टिकल इज क्रिएटेड व्हेन अ न्यूट्रॉन कन्वर्ट्स टू अ प्रोटॉन टू मेंटेन स्टेबिलिटी इनसाइड द न्यूक्लियस. सो दैट इज़ वाई द एमिशन ऑफ अ बीटा पार्टिकल इज़ ऑल्सो अ न्यूक्लियर फिनोमिना. आप ये पूरा जो इक्वेशन है वो यहाँ पे ऐसे देख सकते हैं. दिस ये सब जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज हो रहा होता है तो प्रोटॉन बीटा पार्टिकल एंटी न्यूट्रिनो और एनर्जी ये सब निकलते हैं. गामा एमिशन. नाउ गामा इज़ एनर्जी. इट हैज़ नो चार्ज एंड इट हैज़ नो मास. इट हैज़ द मैक्सिमम एनर्जी एंड इट हैज़ द मैक्सिमम पेनिट्रेटिंग पावर. इट ट्रैवल्स विद द स्पीड ऑफ लाइट दैट इज 3×10^8 मीटर पर सेकेंड. आप अल्फा बीटा और गामा के डिफरेंसेस की बात करें तो देखते हैं अल्फा हैज़ द लीस्ट पेनिट्रेटिंग पावर वेर एज बीटा हैज़ पेनिट्रेटिंग पावर मोर देन अल्फा बट लेस देन गामा. एंड गामा हैज़ द मैक्सिमम पेनिट्रेटिंग पावर सिंस इट इज़ द फास्टेस्ट मूविंग ऑफ ऑल ऑफ देम, ऑल ऑफ द थ्री. देन अल्फा इज़ द हैवीएस्ट इन मास. बीटा इज़ लेस देन अल्फा बट मोर देन गामा, जो बीटा का मास है. एंड गामा हैज़ नो मास एट ऑल. अल्फा हैज़ द मैक्सिमम आयोनाइजिंग पावर बिकॉज इट हैज़ सो मच चार्ज, इट हैज़ अ लॉट ऑफ चार्ज, दैट इज़ वाई. बट बीटा हैज़ आयोनाइजिंग पावर लेस देन दैट ऑफ अल्फा बट मोर देन दैट ऑफ गामा. एंड गामा हैज़ द लीस्ट आयोनाइजिंग पावर. अल्फा हैज़ द स्लोएस्ट स्पीड ऑफ 10^7 मीटर पर सेकेंड. बीटा स्पीड इज़ अ लिटिल मोर देन अल्फा बट लेस देन गामा. इट इज़ 2.5×10^8 मीटर पर सेकेंड. एंड गामा हैज़ द फास्टेस्ट स्पीड ऑफ 3×10^8 मीटर पर सेकेंड. एंड इट इज़ ऑल्सो द मोस्ट हार्मफुल रेडिएशन बिकॉज इट इज़ द मोस्ट पेनिट्रेटिंग इन नेचर. वो आपका अंदर तक जेनेटिक आपका डिसऑर्डर जो करती है वो कौन सी है, गामा. गामा रेडिएशन बहुत अंदर तक जाती है, राइट. इसके गामा पे क्वेश्चन देखें. अब गामा अल्फा बीटा गामा सब पे देखते हैं. तो पहली बात मैं ये बता दूं, क्योंकि गामा में कोई चार्ज नहीं है और कोई मास नहीं है तो गामा पे बेसिकली क्वेश्चन नहीं आता है, वो सिर्फ आपको कंफ्यूज़ करने के लिए आता है. तो गामा का जो मास नंबर होगा वो भी ज़ीरो होगा और अटोमिक नंबर होगा वो भी ज़ीरो होगा. तो गामा विल कॉज नो चेंज. जो जो न्यूक्लियस डॉटर पेरेंट न्यूक्लियस और डॉटर न्यूक्लियस में गामा का एमिशन विल कॉज नो चेंज. सो इस क्वेश्चन को देखते हैं. यहाँ पे एक्स है और एक्स के पास मास नंबर है 24 और अटोमिक नंबर है 11. बीटा पार्टिकल का एमिशन हो रहा है, वाई बन रहा है, अल्फा पार्टिकल का एमिशन हो रहा है, जेड बन रहा है, फिर गामा की वजह से एक आर बन रहा है, फिर टू अल्फा पार्टिकल्स का एमिशन हो रहा है और एक एस बन रहा है, और एस के बाद 3 बीटा पार्टिकल का एमिशन हो रहा है, टी बन रहा है, और टी में 2 गामा पार्टिकल का एमिशन होकर एक वी बन रहा है. तो बहुत सारे रिएक्शन हो रहे हैं, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लग रहा होगा, बट इट्स नॉट. सो बीटा पार्टिकल एमिट हो रहा है तो बीटा पार्टिकल का क्या होता है, मास नंबर 0 होता है और इसका चार्ज होता है -1. एंड इसको हम करके यहाँ लिखेंगे तो मास नंबर तो सेम रहेगा बट जो इसका अटोमिक नंबर होगा इट विल इंक्रीज बाय 1, सो 12 हो गया. तो वाई का मास नंबर 24 एंड अटोमिक नंबर 12. अल्फ़ा पार्टिकल का एमिशन हुआ, अल्फ़ा पार्टिकल हमें पता है कि उसका मास नंबर 4 होता है और उसका अटोमिक नंबर 2 होता है, तो हम 4 माइनस करेंगे और 2 भी माइनस करेंगे. सो 24 - 4 इज़ 20 एंड 12 - 2 इज़ 10. इसके बाद गामा पार्टिकल का रेडिएशन हुआ, तो एज आई टोल्ड यू गामा पार्टिकल के पास कोई मास नहीं होता, कोई चार्ज नहीं होता, तो इट विल कॉज नो चेंज. तो आर वो आर का जो मास नंबर है और अटोमिक नंबर है इट विल बी द सेम एज जेड. सो आर का अटोमिक मास नंबर होगा 20 और अटोमिक नंबर रहेगा 10. अब यहाँ पे दो बीटा पार्टिकल का सॉरी दो अल्फा पार्टिकल्स का एमिशन हो रहा है. तो अल्फा पार्टिकल का रिप्रेजेंटेशन हमने सीखा था 4 and 2. सो अब अटोमिक नंबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2×2 = 4 एंड यहाँ पे मास नंबर 4×2 दैट इज़ 8. तो अब हम यहाँ पर 8 और 4 माइनस करेंगे, तो 20 - 8 इज़ 12 एंड 10 - 4 इज़ 6. एस आ गया, एस का मास नंबर और अटोमिक नंबर आ गया. इसके बाद हमारे 3 बीटा पार्टिकल्स का एमिशन हो रहा है. तो बीटा पार्टिकल का रिप्रेजेंटेशन हमने सीखा मास नंबर 0, अटोमिक नंबर -1, सॉरी चार्ज -1. सो
थ्री माइनस थ्री हो जाएगा, राइट, चार जब माइनस थ्री हो जाएगा, सो टी जो होगा, टी का जो मास नंबर होगा वो सेम रहेगा, दैट इज़ 12 है तो 12 ही रहेगा, बट अब हमारा जो बीटा पार्टिकल के अंदर जो हमारा एटॉमिक नंबर रहेगा उसमें हम कितना प्लस करेंगे, 3 प्लस करेंगे, बिकॉज 3 हमारा माइनस हो रहा था, चार्ज हमारा माइनस 3 बन रहा था, तो अब 3 प्लस करेंगे तो हमारा टी का मास नंबर 12 आ गया, एटॉमिक नंबर 9 आ गया, एंड उसके बाद दो गामा पार्टिकल का एमिशन होकर वी बन रहा है, तो गामा पार्टिकल वी नो डजेंट कॉज एनी चेंज, तो टी और वी का मास नंबर और एटॉमिक नंबर सेम रहेगा। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है दिखने के अंदर बट इट्स वेरी ईजी। नाउ न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन इन वेरी शॉर्ट अगर हम बात करें तो ये स्टेबिलिटी है और ये मास नंबर का एक हमने ग्राफ बनाया है जिसके अंदर 20 तक हमने देखा कि सारे लोग स्टेबल हैं, यू नो लाइट इनका न्यूक्लियस है, और जो लाइट न्यूक्लियस है वो स्टेबल वो होते हैं जिनका नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन सेम होता है, बट जिनमें सेम नहीं है, तो जिन लाइट न्यूक्लियस के अंदर अनस्टेबल वाले जो हैं उसके अंदर हम देखें तो यहाँ पे दो दो मिलकर दो लाइट न्यूक्लियस हुवर अनस्टेबल दे कंबाइन टू फॉर्म वन बिग न्यूक्लियस विच विल बी मोर स्टेबल। तो इसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन, कुछ फ्यूज हो रहा है साथ में बन रहा है तो फ्यूजन। और हैवी न्यूक्लियस हमने देखा वो जो अनस्टेबल होते हैं, तो वन हैवी न्यूक्लियस इट विल ब्रेक इनटू टू स्मॉलर न्यूक्लियस बाय न्यूक्लियर फिजन एंड दीज टू न्यूक्लियस विल बी मोर स्टेबल। सो इन न्यूक्लियर फिजन एंड इन न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन द मास इज नॉट कंजर्व्ड, सम मास डिसअपियर्स। तो हमने न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन भी बात कर ली काफ़ी ब्रीफ में, एंड दिस कम्प्लीट्स द रेडियो एक्टिविटी चैप्टर, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।